नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको अपडेट करने जा रहा हूं एक ऐसी जानकारी जिसको जानकर आप बेहद खुश होंगे। दोस्तों, आपको बता दूं, अब हर परिवार की होगी एक आईडी पोर्टल तैयार किया जाएगा, घर बैठे आप आवेदन कर सकते हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, हर ब्लॉक के चारों संकुल में होगी बुक कीपर की नियुक्ति। दोस्तों, आपको बता दूं किस तरीके से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा है सरकार के द्वारा, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, अब हर एक स्वयं सहायता समूह को काफ़ी ऊपर तक ले जाएगा, यानी कि उनको आत्मनिर्भर बनाया जाएगा, खुद को रोजगार और लोगों को रोजगार स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा दिलाया जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को अपन तक जरूर देखिए, यकीनन इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सबसे पहले आपको बताऊं सरकारी योजनाओं के लाभ में किस तरीके से एक परिवार एक आईडी मददगार होगा, हर परिवार को रोजगार देने में इस आईडी की मदद ली जाएगी। दोस्तों, आपको बता दूं कि प्रदेश सरकार ने परिवार आईडी एक परिवार एक पहचान बनाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च कर दिया है। ऐसे परिवार जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के पात्र नहीं है, यानी कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, वे इस पोर्टल से घर बैठे आईडी बनवा सकेंगे। राशन कार्ड धारकों का परिवार राशन कार्ड नंबर ही परिवार की आईडी मानी जाएगी। भविष्य में सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने और हर परिवार के न्यूनतम एक सदस्य को रोजगार से जोड़ने की प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना में इससे मदद मिलेगी। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। आईडी बनवाने के लिए परिवार का कोई भी वयस्क सदस्य स्वयं या परिवार के अन्य सदस्यों की ओर से ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा वो कौन सी आईडी का पोर्टल है जिस पर आप लॉगिन करके बड़े आसानी से मोबाइल से लैपटॉप से आईडी बना सकते हैं। शहरी क्षेत्रों में लेखपाल और ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी इनका सत्यापन करेंगे। परिवार आईडी के लिए स्वयं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मुफ्त होगा। यदि जनसेवा केंद्र के जरिए आवेदन करने जाते हैं तो आपको ₹30 शुल्क देना पड़ेगा और आईडी के लिए EKYC भी कराना पड़ेगा, जिसका पोर्टल है familyid.up.gov.in। इस पोर्टल पर आप परिवार आईडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आधार आधारित EKYC की भी सुविधा दी गई है। दोस्तों, हम लोग दूसरे सूचना पर चलते हैं, जो सूचना है बुक कीपर की नियुक्ति को लेके। आपको बता दूं दोस्तों, हर ब्लॉक के चारों संकुल में होगी बुक कीपरों की नियुक्ति, जिसके द्वारा आने वाले समय में बहुत कुछ चीज़ें देखने को और जानने को मिलेगी। यानी कि विकास भवन में लिए गए पात्रों के साक्षात्कार, मेरिट के आधार पर होंगे आवेदकों के चयन। दोस्तों, जनपद के सभी विकासखंडों के कुल 36 संकुलों में एक एक बुक कीपर का चयन किया जाएगा। इसको लेकर सोमवार को विकास भवन में आवेदकों के साक्षात्कार किए गए। इंटरव्यू के बाद मेरिट के आधार पर पात्रों के चयन किए जाएंगे। NRLM के माध्यम से संचालित जनपद के सभी 9 विकास खंडों में से प्रत्येक में 4-4 संकुल बनाए गए हैं। इन सभी में संकुल में एक एक बुककीपर का चयन किया जाना है। जो पूर्व में कार्यरत बुककीपर है वह लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण के साथ अगर अपने कार्यरत संकुल में अलग किसी भी क्लस्टर में काम करना चाहेंगे तो उनको वरीयता दी जाएगी। उक्त कार्य के अवज में सभी बुककीपरों को ₹6,000 मानदेय दिया जाएगा। इसका लेखा जोखा रखने के लिए ही ऑडिट लेन देन और रेखांकन किया जाना है। उसको लेकर समूह से जुड़ी सैकड़ों महिलाओं ने आवेदन किए थे। सोमवार को ब्लॉकवार DC मनरेगा अवधेश दीक्षित ने NRLM सभागार में सभी आवेदकों के साक्षात्कार लिए। अब मेरिट के आधार पर पात्रों के चयन किए जाएंगे, उसके बाद इनकी नियुक्ति कर दी जाएगी। इंटरव्यू के दौरान ITI प्रिंसिपल डॉक्टर नूपुर कश्यप, BDO कोठाउंत प्रतिभा साल्या, जिला मिशन प्रबंधक मयंक सहित तमाम लोग मौजूद रहे। तो दोस्तों, बुक कीपरों की नियुक्ति जल्द से जल्द होने वाली है। ₹6,000 मानदेय मिलेगा आपको। आप जल्दी से जल्दी अपने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन या फिर अपने ब्लॉक में जाकर संपर्क करें। दोस्तों, ज्यादा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को अपने सभी फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादातर लोगों को ये सूचना की जानकारी मिल सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।